बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान अपने लंबे बालों की वजह से चर्चा में थे। उनके लंबे बाल और दाढ़ी देखकर लोग कहते थे कि वो किसी नई फिल्म की वजह से अपना ट्रांसफॉर्मेशन करा चुके हैं। हालांकि इस बारे में कार्तिक ने कभी कुछ नहीं कहा। अब कार्तिक के नए पोस्ट को देखकर लगता है कि कार्तिक कोरोना की वजह से काफी दिनों से सैलून नहीं गए थे, इसीलिए अब उन्हें मनाली जाने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले पहाड़ों पर अपने लंबे बाल कटवाए। इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो साझा करके दी है। कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम अकाउंट से जो फोटो शेयर की है उसके साथ उन्होंने लिखा, मनाली में कटेगा। फोटो में कार्तिक पहाड़ों पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं। उनके बगल में एक व्यक्ति कैंची लिए हुए खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। फोटो में कार्तिक भी लंबे बालों के साथ हंसते हुए सेल्फी ले रहे हैं। कार्तिक की इस फोटो को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। उनकी फोटो पर कमेंट कर कार्तिक की तारीफ भी कर रहे हैं। बता दें कार्तिक इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग के लिए मनाली में हैं। उनके साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी हैं। इस फिल्म में कियारा, कार्तिक के अलावा तब्बू, गोविंद नामदेव, संजय मिश्रा, राजपाल यादव भी हैं। अनीस बज्मी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 19 नवंबर 2021 को रिलीज होगी। फिल्म की कहानी को फरहाद सामजी और आकाश कौशिक ने लिखा है। भूषण कुमार की टी सीरीज के बैनर तले ये फिल्म थिएटर्स में आएगी। फिलहाल फिल्म की बाकी शूटिंग जारी है। ये फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल है। फिल्म भूल भुलैया साल 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, अमीषा पटेल, परेश रावल जैसे कलाकार मुख्य किरदारों में थे। फिल्म सुपरहिट रही थी, खासकर फिल्म के गाने काफी पॉपुलर हुए थे।